गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 7.6 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक तो कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपको करना है। आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले ही कि एक ट्रिक है आई लेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको फर्स्ट लेट करें किसको सेकंड लेट करें। अब आपके सामने यहाँ पे पहला क्या है, x है, उसके बाद log है। यहाँ पे आप देखो, यानी कि एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथम है। पहले क्या आ रहा है, log, फिर एल्जेब्रिक, तो ये आपका ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, लगभग 99% क्वेश्चन में ये रूल सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट आउटसाइड log x आउटसाइड, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि log x आउटसाइड करने के बाद में एक ब्रैकेट बना लिया करो, क्योंकि ब्रैकेट बना के जो इंटीग्रेशन करोगे यही सेम पार्ट हमारा नेक्स्ट में ऐड होगा, नेक्स्ट में एज इट इज हो जाएगा। अब log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3 dx हो गया। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक x से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका x क्यूब बाई 3 log x और ये हो जाएगा माइनस 1/3 आउटसाइड हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप लिख सकते हो इसे एक्स क्यूब बाई 3 log x और माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया, आई लेट के अकॉर्डिंग आप अगर लेट करते हो तो आपका ये इजी हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 10 लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। आप देख सकते हो पहले क्या आ रहा है, इनवर्स, उसके बाद क्या है, कुछ है ही नहीं हमारे पास इनवर्स के अलावा। तो एक काम करेंगे, यहाँ वन ले लेंगे। अब वन लेने के बाद में आपके पास ये आ गया इनवर्स, जो फंक्शन है आपका फर्स्ट हो गया, ये अर्थमेटिकल में काउंट हो जाएगा, एल्जेब्रिक नहीं है तो अर्थमेटिकल मानेंगे इसको, और इसको लेट करेंगे सेकेंड। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर आउटसाइड, 1 dx का हो जाएगा एक्स माइनस, अभी जो आउटसाइड आप लिखे हो इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 sin inverse x और इसका अगेन 1/√1 − x² और ये वाला जो x है ये एज इट इज डी एक्स। अब आप देख सकते हो ये हो गया। अब इसे और मॉडिफाइड करते हैं हम लोग, x साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 x साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड अंडर रूट 1 − x² डी एक्स। अब देखिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक बार इस तरीके से भी पूछा जा चुका है और यहां से भी पूछा जा चुका है, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 − sin ax² हो सकता है आपसे x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 − x² पूछ ले। तो जैसे आप साइन इनवर्स x का कर रहे हो वैसे ही आप cos इनवर्स x का करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसको अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स x को t लेट करोगे, 1 √1 − x² dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt के आपका। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका x के प्लेस पे, क्योंकि आपको पता है dx है तो सबको t में कन्वर्ट करना होगा, तो यहां से x की वैल्यू हटा दो आप, तो x की वैल्यू आपका साइन t आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन t और साइन इनवर्स x की जगह पे t लिख देंगे और रूट 1 − x² dx इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, dt की हो गया। अब आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर लोगे आप, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 और एक ब्रैकेट आप बना लोगे, इसे लेट करोगे फर्स्ट, इसे लेट करोगे सेकंड, आई लेट a फिर t, मतलब पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक t और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, इसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे। आपका यहाँ दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, तो किसको आप फर्स्ट लेट करोगे, आप फर्स्ट लेट करोगे एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। अब t आउटसाइड, साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस cos t माइनस डिफरेंशिएशन आप t, 1 आ गया और माइनस आ जाएगा आपका cos t। आप देख सकते हो अब इस cos t का अगेन कर लोगे आप, क्या आ जाएगा साइन t और वैल्यू आप पुट कर दोगे, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t cos t और ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस आपका माइनस कर लेगा ये और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट नहीं कर पाते, वैल्यू देखो आप कैसे पुट करोगे, प्लस 2t, t की वैल्यू आपका क्या है साइन इनवर्स x, यहाँ पे t की प्लेस पे आप साइन इनवर्स x लिखोगे। अब cos t आ गया, अब क्या करोगे आप, साइन इनवर्स x की वैल्यू t है
तो x की वैल्यू आपका हो जाएगा साइन t, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस क्या आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आपका cos t है, तो cos t का मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूस, यानी इस cos t की प्लेस पे लिख दोगे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन t की प्लेस पे आप लिख दोगे x और प्लस कॉन्स्टेंट c, आपका जो फाइनल आंसर है ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया। एक बार यहाँ फिर से क्लियर आप करो, t की वैल्यू साइन इनवर्स x और cos t की वैल्यू आप लिखोगे, या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर t, फायदा क्या है आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के करोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है उससे हो सकता है कोसेक हो सकता है टैन हो, कुछ भी आ सकता है वहां पर, तो आप जब ऐसे करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चेंज करने में। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन कौन सा, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग और आइलेट, आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी आइलेट आइलेट, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आपका लॉग है एलजेब्रिक है, तो लॉग एलजेब्रिक यानी कि लॉग वाला पहला होगा और ये दूसरा होगा, यानी कि फर्स्ट का जो लॉग एक्स है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन होता है, इसलिए उसको फर्स्ट लेट करोगे। अब लॉग एक्स हो जाएगा आउटसाइड और इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री वन डी एक्स का एक्स आ गया माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स और ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई थ्री वन डी एक्स का एक्स और प्लस सी सॉरी डी एक्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस, अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस वन डी एक्स। अब इसके बाद आप सॉल्व करोगे इसे एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स लॉग एक्स, अब आप करोगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, तो एक्स क्यूब बाई नाइन हो जाएगा वन डी एक्स का एक्स आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट सी। आप देख सकते हैं इस तरह से फर्स्ट सेकेंड के किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हम लोग लेते हैं कुछ इनसे अलग, सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स का मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग प्रैक्टिस करोगे कोसेक क्यूब एक्स का, सेक क्यूब एक्स डी एक्स आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इसी बेस पर कोसेक क्यूब एक्स। अब देखिए सेक क्यूब एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, लेट कर लो आपके साइन क्यूब एक्स होता तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये सब आप लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज में पढ़ लिए, ये हमारा सेक क्यूब एक्स है। अब सेक क्यूब एक्स को आप ऐसा करो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इस तरीके से आप लिख दो और इसे लिख दो आई, कि आई क्यों लिखते हैं, आई इसलिए लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन होए, एक टाइम के बाद ये रिपीट हो सकता है सेक क्यूब एक्स, जिसको उसकी जगह पे आई पुट करके हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ नहीं, यहाँ केवल एक ही चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, अब वन तो ले नहीं सकते क्योंकि सेक क्यूब एक्स का हमारा तो इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका तो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का, इसको आप सेकेंड लेट करोगे और इसको फर्स्ट लेट करोगे, इसके अकॉर्डिंग चलोगे आप। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक एक्स आउटसाइड और सेक स्क्वायर एक्स का आपका आ जाएगा टेन एक्स माइनस, इस सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और ये आपका आ जाएगा टेन एक्स डी एक्स आ गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे सेक एक्स टेन एक्स ये हो गया आपका माइनस सेक टेन स्क्वायर एक्स हो गया ये, और टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक एक्स से ब्रैकेट आप ओपन करोगे सेक एक्स टेन एक्स, जब सेक एक्स से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स, ये लिख दोगे आप। अब आप देख सकते हो ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और सेक क्यूब एक्स, यानी इसको किसके बराबर लिख सकते हो आई के बराबर, क्योंकि वो रिपीट हो गया ऊपर से देख सकते हो आई के इक्वल हो गया, और सेक एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको आप मॉड में लिख दो, मॉड में इसलिए लिखते हैं कि हमारा अगर नेगेटिव भी वैल्यू होता है तो उसे पॉजिटिव वो कर दे क्योंकि लॉग नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं होता। अब माइनस आई को इधर लेके आप आ जाओगे टू आई आ जाएगा और टू आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स और प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किए गए। अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा इस फॉर्मूले पे बताया जाएगा e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा e पावर x
एफ एक्स प्लस सी, आप इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी एक से वन से लेकर 16 तक आप सॉल्व करोगे। कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछोगे, कल हम लोग इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।